कहते हैं अपने वतन की मिट्टी में गजब की कसक होती है। इंसान कहीं भी चला जाए लेकिन अपनी मिट्टी और अपने देश को नहीं भूलता। हाँ, विदेश में रहते हुए अपने लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात शायद ही कोई हो। जी हाँ, आपको आज एक ऐसे ही NRI की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अमेरिका में रहते हुए भारत में कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए कुछ कर गुजरने की ठानी, और वो कर दिया जो हमारी सरकारें और बड़े और संपन्न लोग करने की सोच भी नहीं सकते। इनसे मिलिए। ये है रवि बंसल, जो पिछले लगभग 40 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। रवि बंसल अंबाला में कैंसर के रोगियों के लिए किसी भगवान से कम नहीं। यूं तो रवि का जन्म और उनकी परवरिश अंबाला कैंट में हुई। जवान होते ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका चले गए। इसके बाद उन्होंने वहां पर पायलट का कोर्स किया और अपना छोटा सा बिजनेस भी कर लिया। इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने रवि के जीने का मकसद ही बदल दिया। एक दिन रवि को अमेरिका में अंबाला से खबर आई कि उनकी बड़ी भाभी को कैंसर हो गया। उनका कैंसर लास्ट स्टेज में था और वो अपनी जिंदगी की जंग कैंसर के आगे हार गई। अपनी भाभी को माँ मानने वाले रवि बंसल के जीवन का यही टर्निंग पॉइंट था और उन्होंने कैंसर रोगियों के लिए कुछ कर गुजरने का मन बना लिया। कैंसर इसलिए मुझे पर्सनल है कि हमारी भाभी की कैंसर से डेथ हुई थी। उनको जब कैंसर का पता लगा तो वो सेकंड स्टेज में कैंसर में थी। हम लोगों की पढ़ी लिखी फैमिली है, कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए था कि सेकंड स्टेज में डिटेक्शन हो। हम लोगों को उन्हें पहले से चेक करवाना चाहिए था तो कि उनको पता लगे कि पहली स्टेज में कैंसर है तो उनका ट्रीटमेंट हो सकता था और शायद वे ज़्यादा समय तक जिंदा भी रह सकती थी। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा अभी किसी फैमिली में कभी नहीं हो। वो लोग सब जिनको शक है कि उन्हें कैंसर है वो जाकर अपना चेक कराएं तो पता चले कि पहली स्टेज में ही उन्हें कैंसर है, और इसी को कैंसर अवेयरनेस कहलाते हैं। इसके बाद रवि बंसल अंबाला के रोटरी अस्पताल से जुड़े और वहां पर कैंसर के रोगियों के लिए कुछ कर गुजरने की ठानी। हम लोग अब यहां पर 10 तारीख को आए हैं हॉस्पिटल को देखने के लिए, पर हमने जो हॉस्पिटल के लिए फ्लाइट किया था वो लास्ट ईयर 20 अगस्त को खत्म हो गया था। रवि ने अमेरिका में ही रहकर अंबाला के रोटरी कैंसर अस्पताल के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रवि जहां भी जाते थे वहां पर लोगों को रोटरी अस्पताल और इस नेक पहल के बारे में जानकारी देते थे। हाँ, टारगेट है, अब तो मैंने इस हॉस्पिटल का प्रचार दुनिया में किया है। मेरी उम्मीद है कि लोग हमेशा तक पैसा देते रहेंगे। अब मैं जब भी जहां पर जाकर अपनी टॉक देता हूं लोग उठ उठ कर पैसे देते हैं। हमने यहां पर 2 दिन पहले एक बात रोटरी मीटिंग में टॉक दिया था, उस मीटिंग में ही 1,00,000 रुपया इकट्ठा हुआ। सब लोग दुनिया में जाने और अगर उससे अगर उनको ये अच्छा लगे तो इसको अपने से चंदा भेजें तो इससे हॉस्पिटल की बढ़ान हो। ये हमारा और भी काम था, और जब मैं लोगों को मिल रहा था मैं उनसे पूछ रहा था कि अगर वो लोग कुछ हमें चंदा देंगे तो हम हॉस्पिटल के लिए एक MRI मशीन खरीद देंगे। तो अब हमने इस के लिए 1.5 करोड़ रुपया हमने इकट्ठा किया है। एक जगादरी के आदमी ने ट्रस्ट बनाया था, उन लोगों ने बाकी मिलाकर अब मशीन खरीदवा दी है। वहीं लोगों ने भी रवि बंसल की इस पहल का खूब स्वागत किया और उनको खूब सहायता दी। रवि बंसल के बड़े भाई सुभाष बंसल बताते हैं कि अभी तक रवि बंसल ने 2 करोड़ रुपए की मदद अस्पताल के लिए जुटाई है, जिसके चलते अस्पताल में मरीजों के लिए काफी काम किया गया। हॉस्पिटल है, सारा दान से, चंदे से, लोगों के सहयोग से चलता है, और काम इतना बड़ा है कि जितना भी सहयोग मिले हमेशा कम पड़ता है। डॉक्टर रवि बंसल अमेरिका से आए, वहाँ से इन्होंने हमें कई मायनों में बड़ा सहयोग दिया। सबसे बड़ा सहयोग तो इनका था कि रोटरी हॉस्पिटल, जिसको के दुनिया में कोई नहीं जानता था, उसके बारे में सारी जगह इन्होंने अवेयरनेस फैलाई। जब लोग इन्हें देखते थे कि भाई एक आदमी जो एक अकेले जहाज़ में बैठ करके इतनी लंबी यात्रा कर रहा है जिसमें खतरे भी होते हैं, तो वो लोग जानना चाहते थे क्यों ऐसा कर रहा है, क्या वजह है ऐसा। तो फिर ये बताते थे उन्हें कि भाई मैं रोटरी हॉस्पिटल के लिए अवेयरनेस, उसके लिए मेरे को MRI मशीन लेनी है, उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और ये बताते थे कि मैं नहीं चाहता कि दुनिया में कोई भी किसी को भी कैंसर का इतनी लेट स्टेज में जाके पता लगे जबकि उसका इलाज ना हो सके। तो ये इस उद्देश्य को साथ लेकर के चले और यहाँ आकर के जगह जगह गए, उसकी वजह से न्यूज़ कवरेज मिली, मीडिया कवरेज मिली, फोरम मिले जहाँ लोगों ने इन्हें बुला करके इनके कॉज के बारे में जानना चाहा। और हमारा हॉस्पिटल का कॉज पैसे से भी, अवेयरनेस की वजह से भी, और कैंसर की अवेयरनेस के बारे में भी, उन सब चीजों से पूरा हुआ। वहीं रवि बंसल के साथ उनके इस नेक काम में उनकी बीवी का भी पूरा सहयोग है। वो अपनी बीवी को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। हाँ, उनका पैशन है तो जो करना चाहते हैं उसमें सपोर्ट करना चाहिए।
वहीं रवि बंसल ने कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी खूब सराहना की थी। अब तो हम यहाँ पर दूसरी बार आए हैं अमेरिका से, हम लोग यहाँ 10 तारीख को पहुँचे हैं, पर मैंने राउंड द वर्ल्ड फ्लाइट लास्ट ईयर 20 अगस्त को खत्म किया था। रवि बंसल का कहना है कि वो अमेरिका की तर्ज पर ही अंबाला में भी कैंसर पेशेंट्स के लिए ऐसी सुविधा विकसित करना चाहते हैं जिससे उन लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े। कि मैं अपने आप को मीडियम चाहिए था जिससे हम प्रचार कर सके कि कैंसर की अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए, तो इसके लिए मुझे प्रेस कवरेज चाहिए थी। तो मैंने सोचा अगर मैं रिकॉर्ड फ्लाइट करूँगा तो मुझे प्रेस कवरेज मिलेगी और फिर मैं प्रेस को बताऊँगा कि मैं ये कैंसर अवेयरनेस के लिए फ्लाइट कर रहा हूँ। सो इससे सब लोगों को पता चलेगा, कैंसर की अवेयरनेस आएगी। ऑल्सो मैं ये चाहता था कि इस हॉस्पिटल को जो अम्बाले निवासियों ने बनाया है, बहुत बढ़िया काम किया है। सत्य खबर रवि बंसल के इस जज्बे के लिए सलाम करता है। सत्य खबर के लिए अम्बाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।